दोस्तों मैं हूँ जॉन और आज अपन बात करेंगे कि पीएनआई डायग्राम ऑफ डीए रिटर एंड बीएफडब्ल्यू पंप। तो जो पीएनआई डायग्राम अभी पिछले वीडियो में देखे थे अपन ने, पीएनआई डायग्राम ऑफ स्टीम सर्किट एंड फ्लू गैस सर्किट, तो डीए रिटर और फीड वाटर फ्लो का जो भी सर्किट है वो अपन सर्किट पीएनआई डायग्राम में निकालेंगे। तो जो आपका डीएम वाटर आता है, आपका डीएम वाटर आता है डीएम टैंक से, डीएम ट्रांसफर पंप से, लेवल कंट्रोल वाल रहता है। तो लेवल कंट्रोल वाल में इसको एलसीवी दिखाना है और उसका टैग नंबर लिखना है। तो ये कंट्रोल वाल हो गया और इसका इनलेट और आउटलेट वाल दिखाना है और एक इसका बाईपास दिखाना है। और जो भी इसका पोजिशनर है, ये पोजिशन कितना पोजिशन ओपन होगा और क्लोज होगा, इसका पोजिशन का फीडबैक जाएगा। तो ये जेटी को, ठीक है, पोजिशनर ट्रांसमीटर को जाएगा और उसका इंडिशन डीसीएस पे जाएगा, जेडआई मतलब पोजिशनल इंडिकेटर को, ठीक है। तो इसके नीचे क्या है, आड़ी लाइन देके उसका टैग नंबर लिखना है, इसके नीचे भी उसका टैग नंबर दिखा। तो आपको मालूम है कि ऑलरेडी लेवल कंट्रोल वाल है तो उसके पोजिशनल ट्रांसमीटर आएगा और इंडिकेटर आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा इसमें जो आपका डीरेटर में पानी आ रहा है तो उसका टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना है, तो ठीक है। तो उसमें टेम्परेचर दिखाने के लिए टीई मतलब टेम्परेचर एलिमेंट, मतलब टेम्परेचर जो दिखाएगा वो फील्ड में दिखाएगा, उसका टैग नंबर और ये, तो टीई लिखना है। और उसका टेम्परेचर इंडिकेटर लगाया जाएगा और डीसीएस पे या पैनल पे सिग्नल जाएगा, इसलिए ये सिग्नल देते हैं और उसमें नीचे टैग नंबर देते हैं, ठीक है। ये इंडिकेशन रहता है कि ये पैनल पे है या फिर डीसीएस पे है करके, ठीक है ना। उसके बाद ये प्रेशर गेज हो गया, ठीक है। ये प्रेशर गेज को एक आइसोलेशन वाल रहती है तो आइसोलेशन वाल दिखाना है और उसका टैग नंबर भी लिखना है। ये आइसोलेशन वाल को क्या टैग नंबर देंगे कि ये जो फीड वाटर का है तो FW001 जो भी उसका टैग नंबर है वो सभी वाल को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ आया, ये डीएम टैंक, ये अपना डीरेटर के वेपर टैंक में आया, ठीक है। तो इसके पहले यहाँ पे एक एनआरवी रहेगा, ठीक है। अभी ये डीरेटर वेपर टैंक में जो भी है, डीरेटर का टैंक है, इसमें एक वेंट रहेगा, ठीक है। इसमें आइसोलेशन वाल है उसमें एक वेंट दिया है, तो इसको इस तरह से दिखाना, एक सेफ्टी वाल दिखाना है, ठीक है। तो उसमें पीएसवी मतलब प्रेशर सेफ्टी वाल, उसका टैग लिखना है, ठीक है। तो अभी आप डीरेटर के वेपर टैंक में आ गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डीरेटर में स्टोरेज टैंक रहता है, तो इसमें लिखिए डीरेटर स्टोरेज टैंक। एक लेवल ट्रांसमीटर दिखाएगा, तो दो साइड में दो उसके आइसोलेशन वाल रहेगा और लेवल ट्रांसमीटर रहेगा 100। इसका अगर सिग्नल दिखाना है तो आप लेवल इंडिकेटर करके आप डीसीएस पे सिग्नल दिखा सकते हैं इसके आगे, ठीक है ना। इसके बाद ये ओवरफ्लो वाल है। ओवरफ्लो वाल कौन सा है, यहाँ पे सोलेनाइड ऑपरेटेड है, आपके यहाँ जो भी कंट्रोल वाल होगा वो न्यूमेटिक होगा तो उसको न्यूमेटिक के दिखाना है, मोटराइज होगा तो मोटराइज दिखाना है, ठीक है। और ये डीरेटर का ड्रेन है, ये दोनों आइसोलेशन वाल का कॉमन ड्रेन में दिखाया, ठीक है, ये गया। उसके बाद ये आया बीएफपी का सक्शन, तो ये आइसोलेशन वाल हो गया, इसको वाल को भी ऐसे ही नंबर देना है, फीड वाटर 000, ठीक है। अगर ये लाइन होगा तो लाइन का अगर साइज होगा कितने एमबी, तो उसको साइज में भी देना है, जैसे 100 MB मतलब नॉमिनल बोर उसका कितना है 100 रहेगा, और जो पाइपलाइन है उसका शेड्यूल कितना रहेगा उसको उसके आगे शेड्यूल लिखना है, और नीचे में उसके नीचे में जस्ट उसका कौन से मटेरियल का बना है, जैसे ऐसे 106 वगैरह है ना, वो देना है उसमें लिखना है। आप यहाँ पे लाइन पे ये वाले लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डीरेटर का जो बीएफपी का सक्शन आता है यहाँ आया, फिर सक्शन हेडर हो गया, ठीक है। अब सक्शन हेडर में आपको मालूम है कि क्या क्या लगा है, एक एक सक्शन वाल रहता और एक डिस्चार्ज वाल रहता है, ठीक है। तो डिस्चार्ज वाल आगे है, ठीक है। तो ये सक्शन वाल में भी आपके यहाँ कैसे दिए है, सक्शन वाल मोटराइज है कि सादा आइसोलेशन वाल है कि क्या है, उसमें वो आप जैसा दिखा है वैसे दिखाना। अभी ये इसमें क्या दिखा है कि सादा इसमें ओपन क्लोज फीडबैक दिखाता है, ओपन का क्लोज फीडबैक इसमें दिखाता है, इसलिए इसको स्विच लगाया, ये पोजिशन स्विच है, वो ओपन का खाली ये दिखाएगा, उसका टैग नंबर लेगा, वही इंडिकेशन डीसीएस पे देगा। जब तक ये ओपन नहीं होगा तब तक अपना बीएफपी अपन स्टार्ट नहीं कर सकते, ये परमिसिव है, ठीक है। और ये डीपी ट्रांसमीटर लगाया है, डीपीटी, और उसका सिग्नल कहाँ पे दिया है, डीसीएस पे दिया है, और उसका पैनल पे, और ये ट्रिप लॉजिक का है, मतलब आपका अगर ट्रिप हो गया, बीएफपी ट्रिपिंग रहता है डीपीटी करके, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं बीएफडब्ल्यू ट्रिप करके, ठीक है ना। तो ये
ये इसका जो ये थ्री वे वाल्व ये रहता है, इसको क्या बोलते हैं एक्चुअल में, ये डीपी ट्रांसमीटर के रहते हैं, मैनिफोल्ड रहता है, थ्री फोल्ड मैनिफोल्ड। तो मैनिफोल्ड इस तरह से दिखाना है, तो उसके दो आइसोलेशन वाल्व दिखाना है। फिर आया पंप की तरफ, तो पंप का सिग्नल इस तरह से दिखाना है। पंप का सिग्नल दिखाया, तो पंप में कैसा ऐसा सिग्नल दिखा कि ये इस तरह से दिखाना है। एक डी बीयरिंग रहेगा, एक नॉन ड्राई बीयरिंग रहेगा, डी और नॉन ड्राई। तो इसमें बीयरिंग टेम्परेचर रहेगा टीई, उसका इंडिकेशन डीसीएस पे रहेगा। वैसे ही नॉन ड्राई में टीई रहेगा, उसका इंडिकेशन डीसीएस पे रहेगा। इसके ऊपर भी ट्रिपिंग रहती है, तो आप उसका इंडिकेशन से डायरेक्ट इंटरलॉक ऐसा बीएफडब्ल्यू ट्रिपिंग करके दिखा सकते हो। अब ये मोटर मोटर है, ये जो पंप चलता है किससे मोटर, तो मोटर का सिग्नल इसको ऐसा दिखा दो। अगर आपके यहाँ वीएफडी लगा है, तो आप लाइन ऐसा एंगल में लाइन दिखा के वीएफडी लिख सकते हो। उसके बाद एक बैलेंसिंग लाइन रहता है और एक ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन लाइन रहता है। ये दोनों भी लाइन कहाँ जाता है, डीरेटर में जाता है। तो ठीक है, तो इसमें जो बैलेंसिंग लाइन रहता है उसमें ये सेफ्टी वाल्व रहता है, प्रेशर सेफ्टी। तो सेफ्टी वाल्व दिखा दो, ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व तो इस तरह से दिखा दो। उसके बाद उसका आइसोलेशन वाल्व है, वो गया डीरेटर में। ठीक है, उसके बाद उसका बीएफडब्ल्यू का डिस्चार्ज लाइन, तो ये इसमें सादा आइसोलेशन वाल्व है इसलिए ऐसा दिखा है। आपके यहाँ अगर मोटराइज है, सोलेनोइड वाले जो भी है, आप वो दिखा सकते हो, उसका सिग्नल दिखाना है। ठीक है, उसके बाद ये डिस्चार्ज हेडर हो गया। ठीक है, तो डिस्चार्ज हेडर में भी ये प्रेशर ट्रांसमीटर लगाया हुआ है उसका। ठीक है, तो प्रेशर ट्रांसमीटर का सिग्नल कहाँ जाएगा, पीआई में। पीआई में मतलब प्रेशर इंडिकेटर, उसमें ये इंटरलॉक दिया है। इंटरलॉक का सिग्नल ऐसा रहता है ऑटो स्टार्ट, मतलब दूसरा बीएफपी ऑटो स्टार्ट हो जाएगा अगर प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर कम हो जाएगा। अभी इसमें देखते हैं, ये लेवल गेज का है। लेवल गेज में एक वेंट रहेगा, एक ड्रेन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ दो दिया है छोटे छोटे, मतलब 50% पे ये और 50% ये, कहीं कहीं एक ही लेवल गेज अगर दिखाया होगा तो कॉमनली ये एक ही लेवल गेज दिखा। ठीक है, तो ये आ गया आपका डीरेटर स्टोरेज टैंक का हो गया। इसमें एक प्रेशर ट्रांसमीटर रहेगा, ठीक है, एक टेम्परेचर दिखाने के लिए रहेगा, और एक प्रेशर गेज रहेगा। तो प्रेशर में ऐसे साइफन लगा के एक वॉल दिखा के इसको बताना है। ठीक है, उसके बाद लेवल कंट्रोल हो गया, अभी बचा प्रेशर कंट्रोल वाल। तो प्रेशर कंट्रोल वाल में आपको मालूम है इनलेट वाल, आउटलेट वाल और उसका बाईपास वाल। और ये पीसीबी में आप दिखा दो उसका पोजिशनर जेड टी और उसका डीसीएस पे सिग्नल जाएगा जेड आई, मतलब पोजिशनर इंडिकेटर करके। तो ये बहुत सिंपल है, खाली आपको उसका फ्लो डायग्राम पता रहना चाहिए और किस वाल को कैसा दिखाते हैं। जो भी कंट्रोल वाल होंगे, कंट्रोल वाल को आपको मालूम है उसका पोजिशनर दिखाता है, तो जेड टी दिखाओ और उसका सिग्नल डीसीएस पे दिखाओ जेड आई करके। ठीक है ना, कोई टेम्परेचर एलिमेंट है तो टी लिखो और उसका इंडिकेटर डीसीएस पे दें, उसका टैग नंबर नीचे लिखना ही है। और जो भी अपना लाइन है उसके नीचे उसका टैग नंबर होना चाहिए। 100 MB मतलब नॉर्मल बोर है, उसका साइज है और ये शेड्यूल है पाइप का कितना है करके। और उसके बाद ये से 210 है या फिर 106 है, 210 नहीं रहेगा, ये एक्चुअली 106 रहेगा। ठीक है, तो आप 106 लिखो। ठीक है, तो आपको सिंबल मालूम है तो आप आराम से उसको हल्के फ्लो डायग्राम में निकाल सकते हैं, फ्लो डायग्राम कन्वर्टेड इंटू पीएनआई डायग्राम। तो ये बहुत सिंपल वे से है। और राइट हैंड साइड में नोट लिखिए कि आपको कौन कौन से सिग्नल को क्या कि कुछ रिवीजन किया है ड्राइंग में, ये सभी उसमें लिखना है। ड्राइंग का नंबर, किस कंपनी में बनाया है, किसने साइन किया है और कितना रिवीजन नंबर है इसका, और ड्राइंग का टाइटल क्या है, ये सब इसमें लिखना है। उसमें स्केल भी लिख सकते हैं आप, 1:1 या 1:2 जो भी लिखना है वो। तो ये बहुत सिंपल है। तो आपको दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।